अभी तक हमने जो भी कर रहे थे, जैसे क्या सर शांति से समझना, जैसे वो मान लो बाबू 27 ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई 9 कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट आप कैंसिल आउट इसको कर सकते हो, 27 हो गया 9 हो गया, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 27 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में है ना, तो ये बाबू डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट ही आ गया 3 टाइम में, तो आंसर कितना हो गया 3 हो गया है ना। ठीक बाबू शांति से समझ, लिखना नहीं है बाबू, लिखना नहीं है अभी, लिखो लिखना नहीं है इसका, डोंट राइट बाबू। जैसे बाबू क्या रह गया बाबू, मान लो बाबू 6 हो गया और डिवाइड बाई 42 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना, तो 6 हो गया 42 हो गया। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 42 कितने टाइम में आएगा सर, 7 टाइम में है ना, तो 6 7 जा कितना 42, ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 बाई कितना होगा 7 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, 0 वाला भी करवा दिया। अगर सर डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, मन से सुनना है दीप्तांशु बाबू, अरे अज्ञा क्या करो अध्या, आयुष दीप्तांशु कहाँ गया जी, चलो ठीक है आए सर। हाँ सर की सर कुछ नहीं, सुनो बाबू अब शांति से कहानी सुनो। जैसे बाबू कितना 6 है बाबू, अब डिवाइडेड बाई 4 है, 4 के टेबल में तो 6 नहीं आता सर, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, शांति से समझना। इसका दो तरीका है, एक तरीका बाबू थोड़ा सा अब बाबू काजू बर्फी खा के डायरेक्ट सोचो, वो फास्ट मेथड होगा, एक एक्सप्लेन करके देखो इसको हम लोग दो तरह से करेंगे, शांति से समझना है। एक तो बाबू आपको बाबू क्या करना है शैतान मेरे, जैसे 6/4 है बाबू, ठीक सर, तो एक इसमें ऐसा नंबर आपको खोजना बाबू, एक ऐसा टेबल खोजना बाबू जो 6 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे अपने मन से, इसमें बाबू एक वैसा नंबर खोज बाबू जो 6 को भी, अच्छा ठीक है शांति से सुनना, एक मेथड में हम लोग डायरेक्ट आपको बताने के लिए करें, एक वैसा नंबर खोजना बाबू जो वह नंबर जो अपने मन से सोचोगे वह 6 को भी डिवाइड करना चाहिए और 2 को भी डिवाइड करना चाहिए, आ जाता तो अच्छी बात है। तो हमको एक सोच रहे हैं दो एक नंबर मिला, एक 2 मिला, 2 मेरा बाबू 4 को भी डिवाइड करता है और 2 मेरा 6 को भी डिवाइड करता है, मतलब 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, शांति से समझना ठीक। लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, वो पहले ही कर देते फिर बाद हमको नहीं बोलिएगा सर श्राप दे दिए। 6/4 को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे तो दो तरीका, पहले आसान सा एक तरीका सीखते हैं। क्या कर रहा है दीप्तांशु, ऊपर क्या देख रहा है दीप्तांशु, क्या लिख ले अध्याय, बहुत कुटेंगे बाबू। आपको ये दोनों में एगो ऐसा नंबर खोजना है जो बाबू जिसके टेबल में 4 भी आ जाए 6 भी आ जाए, तो हाँ सर मिल गया सर 2, तो 2 से इसको डिवाइड करना, मतलब 2 का टेबल पढ़ो, 4 कितने टाइम में आएगा 2 टाइम में, फिर 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ो, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने टाइम में आएगा 3 टाइम में, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 2 टाइम में, 2 लिख दिए और 2 का टेबल पढ़ो 6 कितने टाइम में 3 टाइम में, तो इसको कैंसिल करके ऊपर क्या लिख देना 3 लिख देना, हमने 2 एक कॉमन नंबर है सर, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 कितने टाइम में 2 टाइम में, तो इसको इसको मर्डर कर देना, चाकू चला देना, बगल में 2 लिख देना, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने टाइम सर 3 टाइम में, तो इसको चाकू चलाना 3 लिख देना, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा ठीक। एक तो ये तरीका सर, दूसरा तरीका क्या सर, दूसरा तरीका आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाए हैं, 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 से कितना टाइम में 3 टाइम में, फैक्टर करना बताएं बाबू 6 का, मतलब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 2 × 3 यही लिख सकते हैं ना, हाँ सर। 4 को फैक्टर करेंगे मेरे लाल, 4 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 4 को फैक्टर करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 है ना, हाँ सर ठीक। मेरा क्या दिया हुआ 6/4 दिया हुआ, तो 6 को क्या लिखोगे 2 × 3, 4 को क्या लिखोगे 2 × 2, 2 न्यूमिनेटर डोमिनेटर बताओ न्यूमिनेटर डोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा मर जाएगा, कोई भी नंबर बाबू न्यूमिनेटर डोमिनेटर में सेम रहता तो मर जाता, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, दो दो क्या हो गया सत्य हो गया, झूठ नहीं है सत्य है ना बाबू सत्य है ना,
मैंने राम का नाम क्या बाबू सत्य है, ठीक है, तो ये दो दो सत्य में मर गया तो बचा क्या बाबू 3/2 है ना, ठीक बाबू। तो ये क्या हो गया बाबू 6/4 का क्या हो गया सिंपल फ्रैक्शन हो गया है ना। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ दोनों मेथड क्या सेम है। एक क्वेश्चन और देते उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाबू। जैसे बाबू क्या मेरे ला 9 है अब 22 6 है, ठीक सर। तो दो मेथड बाबू शांति से सुना, लिखोगे जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा बाबू है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अपना आप लोग समझिए, ठीक बाबू। हम लोग क्या करेंगे सर 9/6 है तो दो तरीका बाबू, ठीक है सर, एक 9/6 है तो हम लोग अपने मन से एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे कहाँ घर जाके नहीं ना नहीं घर जाके नहीं दिमाग में जाके, दिमाग में जाके एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे वह नंबर उस नंबर के बाबू उस नंबर में क्या होना चाहिए, उस नंबर को जब वो टेबल पढ़े तो उस नंबर में 6 भी आ जाना चाहिए है ना, और उस नंबर में उस नंबर के टेबल में क्या आना चाहिए 9 भी आ जाना चाहिए। एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे बाबू कि उस नंबर के टेबल में मेरा 6 भी आ जाए और उस नंबर के टेबल में 9 भी आ जाए। कौन सा ऐसा नंबर होगा सर कि जिसके टेबल में 6 भी आता है जिसके टेबल में 9 भी आता है। आता 3 के टेबल में तो आता है सर, 3 के टेबल में 6 भी आता है 3 के टेबल में 9 भी आता है, मिल गया। तो 3 के इसको हम मर्डर चाकू चला देंगे, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने टाइम में 3 2 6 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 3 के टेबल में 9 भी आता तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 कितने टाइम में 3 3 जा तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ऊपर क्या बच गया 3 बच गया, नीचे क्या बच गया 2 बच गया, ठीक। सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे 9/6 है तो 9 को फैक्टर करेंगे तो मम्मी क्या पढ़ाई है 3 × 3 मतलब 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3 यही लिख सकते हो ना। सर 6 को फैक्टर करोगे एकदम आसान, LKG का कुछ है जी, LKG का शर्म आता पढ़ाने में। 6 को फैक्टर करोगे 2 से कितना 3, हाँ सर, तो 6 का क्या लिखेंगे 2 × 3 मतलब 9 को क्या लिखेंगे सर 3 × 3 6 को क्या लिखेंगे सर 2 × 3 राम राम सत्य है, किसका सत्य होगा 3 3 सत्य है, 3 3 का सत्य हो जाएगा, ये 3 3 सत्य होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा मर जाएगा, क्या बच गया न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर क्या बच गया 2 बच गया, तो 9/6 का सिंपल फ्रैक्शन क्या हो गया बोले 3/2 हो गया ना, 3/2 हो गया सर, ठीक नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है नहीं दिख रहा अभी दिखा रहे हैं, लिखिए अब आप यू हैव टू राइट डाउन बाबू। अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा समझा रहे थे सर, मैं जानता हूँ, जानते हो तो अच्छी बात है बाबू, चलो ठीक है भोले मेरे, आप जानते हैं इस्ता, यस सर, मैंने तो उसको डिवाइड करके किया था, हाँ डिवाइड करके ही करते हैं हम लोग, डिवाइड करके ही करते हैं, लेकिन बच्चा को टेबल में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बाबू, क्या किया जाए, डिवाइड ही करते हैं। आप जानते थे अंशिका, यस सर, जानती बाबू, क्या सर जो अभी बताएं बाबू, ओ यस सर, चलिए जल्दी 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 सीखो श्वेता, इसमें हम लोग अपना लेवल राइज करेंगे धीरे धीरे, जल्दी लिखे जल्दी बाबू, अरज्ञा के तो बाबू मोस्ट वांटेड में, उसको तो भर पेट पीटेंगे एकदम, अरज्ञा दीप्तांशु ये सब बाबू खतरनाक बच्चा बच्ची है, आतंकवाद है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है कि नहीं, अरज्ञा कब फिर कंप्लीट हो जाएगा भोली, अरज्ञा हे गौरापुर फिर कब कंप्लीट हो जाएगा बाबू, अरज्ञा संजना दीदी पिटाई जो वीडियो देखी हो ना बाबू कि नहीं देखी हो अरज्ञा,
नो सर नहीं देखी हो, देखो दिखाते हैं शैतान। आप देखी थी इस्ता, हमारी इस्ता तो अच्छी बच्ची, इसको जरूरत ही नहीं है। यस सर। पीटे बाबू कुछ कुछ का वीडियो डाले थे, नहीं देखी थी इस्ता? नो सर मैंने नहीं देखा। देखो बाबू दिखाते हैं, देखिए दिदांशु पढ़िए पढ़िए नहीं पढ़िए, मेरे यहाँ बहुत बच्चा वो जो टिकता ना वो पढ़ लेता, भागने वाला रहता जो तो भगाइए देते हैं। नेक्स्ट बाबू, अभी हम लोग किस क्लास का कर रहे हैं? एलकेजी का कर रहे हैं, एलकेजी का कर रहे हैं। जैसे बाबू 15 बाय कितना बाबू, 15 बाय बाबू कितना हो जाएगा? 15 बाय बाबू अभी विलंब मत लो है ना बाबू। जैसे बाबू मान लो बाबू कितना है सर, 18 बाय बाबू, 18 बाय बाबू कितना हो जाएगा? 18 बाय 12 ले लेते हैं है ना। ठीक बाबू एक क्वेश्चन और बताते, एक क्वेश्चन और बता देते हैं ना, बता देते हैं ठीक, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो जो नहीं समझे बाबू, जो जो नहीं समझे इसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद दो तीन बनाने के लिए देंगे है ना बाबू। हम लोग क्या करेंगे सर, एक बाबू आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे सर डायरेक्ट बाबू कैसे सोल्व करोगे? बाबू एक ऐसा नंबर खोजो बाबू जो बाबू 18 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। एक ऐसा नंबर खोजिए श्वेता जो बाबू 18 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे, कॉमन नंबर है ना। अच्छा ठीक है, 2 भी होगा आप कोशिश करना बाबू बड़ा नंबर खोजने का। ठीक है वेरी गुड बाबू, ठीक है सर। एक बड़ा नंबर खोज, आप 3 भी खोजे सही है, 2 भी खोजे सही है, 6 भी खोजे, तो बड़का नंबर खोजोगे ना तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो एक बड़का नंबर कौन होगा बाबू जो 18 को भी डिवाइड कर दे 12 को भी डिवाइड कर दे, तो बड़का नंबर 6 हो जाएगा। तो 6 का बाबू, 6 को बाबू डिवाइड 12 को 6 से डिवाइड करो, या बाबू 6 का टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में, तो यहाँ इसको क्रॉस करके 2 लिखेंगे। फिर 6 का बाबू टेबल में बाबू है ना 18 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम है, तो यहाँ 3 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और नहीं आता ऐसे करना, नहीं सोचने आता बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन करोगे ना तो उसमें टाइम किलिंग होगा, 18 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 1 मिनट का काम 4 मिनट में लगेगा। लेकिन अभी आप लोग सीखो क्या करोगे, 18 का हम लोग फैक्टर करेंगे बाबू 2 से कितना टाइम में, ये 6 2 से 9 टाइम में होगा। हाँ सर, फैक्टर वाला बाबू मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो मेथड है टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो है ना ठीक। फिर 3 से बाबू कितना हो गया, 3 मतलब 18 को क्या लिखेंगे सर, 2 × 3 × 3 यही लिखेंगे ना। हाँ सर, उसी प्रकार कितना 12 है, ठीक है सर। 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 से 6 और 2 से कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मतलब मेरा 18/12 है। तो 18 को क्या लिखेंगे सर, 2 × 2 × 3, 12 को क्या लिखेंगे सर, 2 × 2 × 3। अब नुमिनेटर डोमिनेटर में बताए थे वो जो सेम रहता है वो मर जाता है, राम राम सत्य है 2 2, राम राम ये भी सही हो गया ठीक। तो पर ऐसे था कहीं गलत हो गया बाबू, यहाँ बाबू 3 होगा, यहाँ एक और 3 होगा है ना, 3 होगा ठीक। नेक्स्ट बाबू यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 3 मर गया, बचेगा क्या बाबू 3, नुमिनेटर में क्या बच गया 3, डोमिनेटर में क्या बच गया 2 बच गया है ना। तो इस मेथड से आपका टाइम कंज्यूम होगा है ना, पहले 18 का फैक्टर सर, फिर 12 का फैक्टर सर, फिर काट सर, फिर फाइनल रिजल्ट, उससे बड़े हम लोग ऐसे सोचेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे है ना। तो अब सारे से एक एक क्वेश्चन पूछते चलते हैं, राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन कीजिए, अब सारे से पूछते चलते हैं, उसके बाद बनाने लग देंगे। किससे टालना स्टार्ट करें, चलो श्वेता, श्वेता शैतान, श्वेता श्वेता सर, हाँ 24/15 एक ऐसा नंबर खोजो बाबू जो 24 को भी डिवाइड कर दे 15 को भी डिवाइड कर दे, कौन सा नंबर सर 3। तो हाँ 3 हो गया, तो 3 बाबू 15 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा श्वेता, 5। तो यहाँ पे इसको इस पे चाकू मार के 5 यहाँ लिखना है, फिर 3 को 24 कितने टाइम में डिवाइड करेगा श्वेता, 8। हाँ बाबू सर, अलग अलग नंबर को हम लेंगे तो सर अलग अलग नंबर सर ना आएगा,
हाँ अलग अलग नंबर को लेंगे अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन बाबू ऐसा जरूरी नहीं बाबू है ना, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सेम हो सकता है, तीन चार के सारे का आंसर कितना है 3/2 ही आना, तो ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि अलग अलग आंसर आएगा है ना। नेक्स्ट बाबू 24 को हम लोग फैक्टर करके अगर करेंगे बाबू, तो 24 को फैक्टर करोगे बाबू तो कितना ऐसे फैक्टर, इस तरह से फैक्टर करना 24 को, 2 से सर 12, 2 से सर 6, 2 से सर कितना 3, मतलब 24 को क्या लिखोगे 2 × 2 × 2 × 3 ठीक ठीक बाबू। 15 को क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है लेकिन हमको बताना पड़ता है बाबू आपको समझाने के लिए सारा चीज में तेज है। 15 को फैक्टर करोगे 3 टाइम में 5, तो 15 बाबू क्या लिखोगे सर 3 × 5 है ना। हाँ सर, तो 24 है बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 2 × 2 × 3, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5, 3 × 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 × 8 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना बड़ा मेथड है बाबू, कितना इतना 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 हम लोग ऐसे करें कोशिश करेंगे है ना। नेक्स्ट बाबू लिखे वो जल्दी से लिखे, नैतिक क्या पेन से खेल रहा है नैतिक, बहुत पीटेंगे बाबू, लिखे रख गया, भागा कौन कौन शैतान, पीयूष भागा, दिव्यांशी 2, लिख लिया नैतिक, ऐसा मैं खुद बना रहा था, वेरी गुड बाबू, लिख लिया रख गया, यस सर, चलिए अब कुछ कुछ बनाने के लिए देते हैं, जल्दी से बनाइए, तो श्वेता उसके बाद हम लोग इसमें टाइप चेंज करेंगे, इसमें 2-3 बच्चा बाबू पिकअप नहीं पकड़े, एक श्वेता हो गई, आयुष हो गया, आयुष को तो थोड़ा थोड़ा होता है, दीप्तांशु नहीं पकड़ पा रहा, दीप्तांशु यस सर, बाबू काहे नहीं समझ में आ रहा दीप्तांशु, मुझे समझ आ रहा है, तो होमवर्क का नहीं बना के लाते दीप्तांशु, जल्दी बाबू, बच्चे से पूछ लो, हाँ बाबू सर अब पहले बनाने दे दीजिए, आप पहले बनाने लग दे रहे हैं, दे रहे हैं, दिव्यांशी कहाँ गई बाबू, जल्दी लिख ले बाबू, श्वेता लिख ली, यस सर आई हैव डन, यस सर, वेरी गुड बाबू, नेक्स्ट बाबू, तीन चार बच्चा को इसमें बाबू आतंकवादी टाइप का जिसको है ना भर पेट पीटना, आयुष यस सर, मैं एक छोटी सी नई नोटबुक बना के लाई थी सर, वो तो आधी खत्म भी हो गई, बड़ा वाला लाइफ बाबू, ये आपको बाबू होल लाइफ काम देगा, जैसे इसमें ग्रैब कंसेप्ट सीखते जाओगे ना बाबू, अभी अभी इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन एक बार खत्म हो जाएगा, मेरा 50% मैथ खत्म हो गया, उसके बाद बाबू है ना अब तेजी से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आपको हम बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है, तो बड़ा बड़ा कॉपी बनाइए बाबू, पतला वाला मत बनाइए, स्कूल वाला नहीं बाबू, बहुत मोटी बना रखी है, इतनी मोटी, हाँ बाबू स्कूल की, स्कूल की तरह नहीं बाबू, स्कूल में इतना पतला बनाता है वो, एक साल में वो भी फिनिश ना होता है ना, छोटा सा रहता है, 30 नेक्स्ट बाबू 27 बाबू अपॉन 15 करो तो जल्दी से इसको, आप लोग एक एक मेथड से करने की कोशिश करो, ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे ना, ये आपको हम सिखा दें कि ऐसे भी कर सकते हैं, सर हमने आप लोग हाँ काटने वाला करो, एक मेथड से करने की कोशिश करो, दैट इज बेटर फॉर मी बाबू, डायरेक्ट कर देना है, हाँ डायरेक्ट कर देना है,
जल्दी कीजिए जल्दी बाबू, रख गया बाबू दीपांशु बाबू, जो जो नहीं बनाया उसको कूटेंगे, भर पेट पीटेंगे। जल्दी बाबू जल्दी जल्दी। वेरी गुड बाबू। सर मैं दिखा रहा हूँ, कठिन होना चाहिए था। हाँ बाबू, देखो बाबू इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे शांति से समझना, 27 है 15 है तो एक कॉमन नंबर खोजेंगे बाबू, जो बाबू 27 को भी डिवाइड कर दे 15 को डिवाइड कर दे तो 3 है सर, 3 मेरा है तो 3 को बाबू 3 का टोटल पढ़ो 15 कितने टाइम है, 5 टाइम है, 3 का टोटल पढ़ो 27 कितने 9 टाइम है, तो 9 बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 37/18 है तो 18 के टेबल में तो डायरेक्ट 36 आता सर, 18 2 36 मम्मी पढ़ाई किया नहीं हमको आता, नहीं आता तो छोड़ो, 9 एक ऐसा नंबर खोजो बाबू जो बाबू 18 को भी डिवाइड करे और 36 को, तो सर 3 भी होगा सर, 9 भी होगा, 6 भी होगा, मान लेते हो बाबू 6 ले लेते हो तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कितना 3 टाइम है, 6 का टेबल पढ़ो 36 कितना 6 टाइम है, तो कितना आ जाएगा 6/3 आ जाएगा, ये फर्दर और सिंप्लीफाई होगा। हाँ सर और होगा सर, 3 का टेबल सर 3 2 6 सर, तो ये 2 टाइम है तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू ये 50/0 तो आपको बताया क्या था, 0 0 नोमिनेटर डिनोमिनेटर में राइट साइड में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा मर जाएगा, अब क्या बचेगा 5/3 बचेगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में कोई वो कॉमन नंबर है ही नहीं, वो जो 5 को भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करो, देखो ये बाबू श्वेता 25 है यहाँ वो एक कॉमन नंबर खोजना बाबू जो ये 25 और 13 दोनों को डिवाइड करो, हाँ सर एक तो आता है 5 तो 5 का बाबू टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम में 25 होगा 5 टाइम में, 5 का टेबल पढ़ेंगे 35 कितने टाइम में सर, 5 के टेबल में है ना, नहीं हमको नहीं पता 35 क्यों बोल रहे हैं 25 ना, 5 के टेबल में पढ़ेंगे 25 5 टाइम में, 5 के टेबल पढ़ेंगे 65 कितने टाइम में आएगा नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है तो इधर 5 से क्या करना, जिसका टेबल आप पढ़ रहे कॉमन है उसको डिवाइड कर देना 65 से, 1 टाइम में 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ सर मिल गया सर, 5 का टेबल कितना 13 टाइम है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं पता चलेगा तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लेना 13/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 13/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिखे बाबू कुछ कुछ और क्वेश्चन करते हैं बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू। Done, ये सब सही ताना, उधर क्या गप करी हो राधिया, खाली गप करते रहती हैं। आप लोग को भी छठ के छुट्टी चाहिए जी, नैतिक आपके यहाँ भी छठ होता है नैतिक? नो सर नहीं होता है, नहीं होता, वेरी गुड बाबू, मेरा फेयर कंप्लीट कर लिया नैतिक? यस सर कर लिया हूँ, वेरी गुड बाबू, चेक करते हैं बाबू स्कूल बंद है कि खुला हुआ नहीं थे सर, खुला है मेरी मम्मी तो करती है छठ सर, डीआईवाई का टाइम हो गया, मेरी नानी करती है तो छुट्टी चाहिए इसका, यस सर। अच्छी बात है बाबू, कब तक छठ का टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, कब तक बाबू कब तक छठ है इसका, इस दिन तक छठ है इसका बाबू, हमको नहीं पता बाबू मेरे यहाँ छठ उठ नहीं होता, ठीक है सर 30 को है,
शैतान तो इतना दिन छुट्टी देंगे बाबू, तो हमको कैसे मन लगेगा जी, हम तो खैर ऑनलाइन रहबे करेंगे बाबू, आप लोग का पिटाई उठाई चलते रहेगा। सर सर 30 की छुट्टी चाहिए। हाँ बाबू चलो अभी पढ़ाई करते हैं ना बाबू। नेक्स्ट बाबू बनाना है। हाँ बनाइए बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए। अरे सब बच्चा आता नहीं बाबू, देखो इसमें कितना सारा बच्चा, बहुत सारा बच्चा आता नहीं बाबू, क्या कह रहे, सब छठ में बिजी है। सर ये DIY है। बनाओ ना भाई बाबू, अभी बनाए ना, अभी टाइम बहुत है, बहुत अभी टाइम है। तीन को बनाओ जल्दी से, फिर आगे हम देखते हैं बाबू, है ना, आगे देखते हैं। तीन को बनाए तो जल्दी से DIY देने का वक्त। अच्छा पहले तीनों बनाओ ना, उसके बाद DIY देंगे। पहले तीनों बनाइए तो अटेम्प्ट तो कीजिए। जल्दी 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। जल्दी इस्ता नैतिक बाबू, जल्दी शैतान जल्दी के जा रहा गया। दीप्तांशु आरब नहीं है जी, आरव नहीं है, पीयूष नहीं है, आयुष नहीं है, दिव्यांशी नहीं है, सबके यहाँ फोन करना पड़ेगा जी। जल्दी बाबू जल्दी बाबू। श्वेता कहाँ भोली भागी, ए श्वेता बताइए बाबू, आप बताइए, आप बनाइए 40 40 451 बताइए तो श्वेता कैसे कैसे करोगे। 70/35 है श्वेता, बताओ तो बाबू। सर 5 में 5 में 5 में ठीक है तो 5 में बाबू, 5 का बाबू टेबल पढ़िए, कितने टाइम में 75 आएगा, 35 आएगा, 35 7 सेवन, तो फाइव सेवन हो जाएगा। फाइव के टेबल में 70 कितने बार में आएगा बताइए। सर डिवीजन करेंगे तो कीजिए, जल्दी कीजिए। चलो बताओ बाबू, बताओ इस्ता, आप इसको कीजिए बाबू। श्वेता यस सर। हाँ बाबू बताइए। सर ये दोनों फाइव, ये दोनों किसके टेबल में, ये दोनों किसके टेबल है, 17 से 1717। हाँ बाबू 17 के टेबल में डायरेक्ट 85 आएगा। 17 के टेबल में 17 5 85। हाँ 17 5 जाए 85। 17 1 17 5 आंसर आ जाए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू बताओ। शैतान आराध्या इसमें क्या कॉमन, आराध्या कौन सा कॉमन। सर 14 आएगा, 14 आएगा, चलो ठीक है। उसके बाद बाबू 14/7 हो गया, इसके बाद और कुछ होगा बाबू, और छोटा होगा बाबू। श्वेता होगा सर, कितना टाइम में होगा जी। सर 7 1 2 7 7 2 40। तो 2 ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे। सर 2 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे। हाँ 2/1 हो गया, ठीक है। बताइए आराध्या कलकत्ता, कोलकाता आराध्या बताइए बाबू, इसमें क्या होगा आराध्या। सर इसको 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 उसके बाद एक मिनट सर, मैंने ये वाला नंबर नहीं बनाया है सर, मैं बताइए देखे अरे आप तो बता दोगे मेरा बाबू नहीं थे। बताइए अंशिका। सर सर
अंशिका बोलिए बाबू। सर मैंने अयोध्या बोल रही है, कोलकाता वाली। कोलकाता बाबू अंशिक, आपका आवाज लग रहा है शैतान। सर हाँ बोलिए अंशिका। सर 100 to 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 to 2 से डिवाइड हो रहा है और 45 हो रहा है बाबू। बोलो दीप्तांशु, इसमें कौन से नंबर से करेंगे दीप्तांशु? जल्दी बाबू जल्दी। सर 5 से। हाँ 5 से 45 कितना बार में दीप्तांशु? सर राइट टाइम में। वेरी गुड बाबू। 100 कितना टाइम में दीप्तांशु? सर 100 टाइम में। अरे 5 से 100 कितना बार में डिवाइड हो बाबू? सर 50 टाइम में। बहुत पीटेंगे बाबू, 5 से बाबू नहीं आता। कितना टाइम में होगा जल्दी, कितना टाइम में हो रहा है क्या? 100 सर 25 का और कितना टाइम में होगा बाबू? 5 से 100 बाबू 25 20 टाइम में होगा शैतान। बहुत पीटेंगे बाबू, चलो ठीक है राइट डाउन कीजिए बाबू। 20 से ही नेक्स्ट बाबू, यहां से आपको बना के लाना, जो जो नहीं बना के लाएगा पीटेंगे। कल आइएगा ना दीप्तांशु? दीप्तांशु प्रॉमिस बाबू। प्रॉमिस सर। पक्का वाला? यस सर। वेरी गुड। होमवर्क बना के नहीं लाइएगा? सर बना के लाऊंगा। इसमें भी प्रॉमिस? यस सर। अच्छी बात है। जब भी साइड में 0-0 रहेगा ना, तो पहले 0-0 कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे यहाँ 0-0 मार दीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा क्या कॉमन होता है। सर थोड़ा कैमरा नीचे कर। डाटा खत्म कर दिया बाबू? हाँ तो 1 GB कितना देर चलेगा जी? इतना देर बहुत चल गया। अच्छा ठीक है, कल वीडियो देख लीजिएगा। थ्री थ्री सिक्स सिक्स सेवन। चलिए आप लोग इतना ही कीजिएगा, वो बच्चे हो ज्यादा कितना दे। 458 वाला नीचे वाला थोड़ा बताइए, नीचे दिखाइए। 330 डिवाइडेड बाय 270 सर। 453 के बाद 453 आता है। अच्छा ये 4 हो जाएगा, चलो ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा पूरा एगो। चलो ठीक है बाबू, ये हो जाएगा बाबू। कितना बाबू? ये हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना बाबू? ऐसा करते बाबू, चलो छोड़ो सुधारिए देते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 60। डन सर, कैन आई लीव? हाँ नैतिक बाबू, बना के लाना नैतिक। ठीक है वो जाइए बाबू, बन जाएगा श्वेता। सर फेयर चेक कीजिएगा अभी? अभी नहीं बाबू, अभी खाना उना खाएंगे, बचेंगे तब ना जी, सुबह सुबह वो लगे रहते। कल कभी फोन करके पूछ लेंगे,
है ना, स्कूल से आएगा कभी भी फोन करके पूछ लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। सर 140 के बाद सर। अच्छा ठीक है, 140 के बाद करेंगे। सारे बच्चे का चेक करना, जो बाबू आउट ऑफ बिहार है ना बाबू, है ना, उसका चेक करेंगे, बाकी बिहार में तो सबको पीटीए दिए हैं बाबू, सारे को पीटे हैं शैतान। एक श्वेता मेन टारगेट पे, वो भी शैतान नहीं पढ़ते हैं। सर